वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। भागलपुर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 7 लाख रुपए की ठगी और 20 दिनों तक बंधक बनाए रखने का सनसनीखेज मामला आया सामने। भागलपुर के SSP नितासा गुड़िया को आवेदन देकर ठगी गिरोह में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में वासुदेवपुर गांव के नकुल सिंह, पशुपतिनाथ सिंह, सुमन शर्मा एवं राहुल कुमार को आरोपी बनाया गया है। वकील राम के अनुसार वासुदेवपुर गांव निवासी पशुपतिनाथ सिंह उर्फ जयराम सिंह ने मेरे पुत्र सूरज कुमार को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी की थी। पशुपतिनाथ और उसके पिता नकुल ने पड़ोसी प्रदीप राम ने परिचय कराया था। रुपए लेने के बाद काफी दिनों तक टाल मटोल करता रहा। 18 जनवरी को बाप बेटे ने मिलकर पुत्र को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। फिर नौकरी लगवाने के नाम पर उसे साथ लेकर गए नाथनगर के गनोड़ा बादरपुर गांव में भोला मंडल के घर ले जाकर उसे बंधक बना लिया और वहां से 29 जनवरी को वासुदेवपुर लाकर मेरे बेटे को अपने घर में बंधक बनाकर रखा। 31 जनवरी को उसे भागलपुर के रामसर में श्याम मंडल के घर पर रखा। इस दौरान मेरा बेटा पशुपति नाथ सिंह और नकुल सिंह से बार बार हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। पशुपति नाथ सिंह ने हमको ट्रेनिंग करने के लिए घर से उठाया, घर ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी से, अच्छा, वहाँ से उठा के से भागलपुर में ला के हमको किडनैप करवा दिया बदमाश लगवा के पशुपति नाथ सिंह ने। अच्छा। वहाँ से 4 जगह हमको एक माह बंधक बना कर रखा था सर, नॉर्थ लगर बादरपुर में रखा था सर 18 तारीख से 27 तारीख तक सर। और 27 तारीख से फिर पशुपतिनाथ सिंह ने सर हमको से घर में वो बंधक बना कर 3 दिना रखा। फिर वहाँ से हमको से रामसर में रखा सर, घनश्याम मंडल के घर में रखा सर 7 तारीख तक सर। 7 तारीख से फिर वो आप अलीगंज भैरवपुर गाँव में हमको बंधक बना के रखा सर जनार्दन मंडल के घर में सर। वहाँ से किसी तरह से हमको सर छूट मिले तो घर फोन किए वहाँ से, तो घर से फोर व्हीलर लेके सर हमको वहाँ से घर लेकर आया 10 बजे रात तक सर। वो सामान लेके सर हमारे साथ सोता था पशुपतिनाथ सिंह, उनका भाई और बदमाश सोता था सर। इसी तरह जान बचा के वहाँ से भागे। कितना पैसा तुमसे लिया था? 7 लाख लिया था सर। ग्रुप डी में नौकरी लगवाने के लिए? हाँ, रेलवे ग्रुप डी में सर। पशुपतिनाथ कहाँ का है? बाजेपुर का है सर। कौन थाना पड़ता है? साकुन थाना का है सर। नौकरी भी नहीं लगवाया, पैसा भी वापस नहीं किया? नौकरी भी नहीं लगाया, पैसा भी नहीं दिया सर। बदमाश से कितना भी करवा दिया सर, मारपीट करता था सर। तो इस मामले में कहाँ कहाँ गए तुम? डीआईजी साहब को दिए सर, डीआईजी साहब आदेश करके सर हमको सर थाना भेज दिए। थाना गए सर, थाना में भी अप्लीकेशन दिए सर। अच्छा। लेकिन थाना में अप्लीकेशन उनको भी बुलाया, हमको भी बुलाया सर। उनके पत्नी से एकांत में दरोगा जाकर बात किया एक रूम में सर। फिर दूसरे दिन हम गए, कल शाम 4 बजे गए तो दरोगा सर हमको धोप धाक के भगा दिया कि जाओ यहाँ केस कास नहीं होगा तुम्हारा। और 70,000 लेके वो सेटलमेंट कर लिए दरोगा से। 70,000 दरोगा लिया, कैसे पता चला? उनके गांव वाले सब बोल रहे हैं कि जमीन सुध भरना धर के 70,000 दिए। तुम्हारा क्या नाम है? सूरज कुमार मेरा नाम है। कहाँ घर है? पचरुखी घर है। अभी कहाँ आए हो? अभी तो SP ऑफिस के आए हैं सर एप्लीकेशन देने के लिए सर। एप्लीकेशन दिए? जी सर दे दिए। मिले? जी सर मिले। क्या बोले? बोले कि थाना से हमने भेजते हैं सर। आश्वासन मिला है कि होगा? होगा, अब देखिए क्या होगा नहीं होगा सर, कहना मुश्किल है सर। जो थाना से पैसा खा गए सर, यहाँ क्या करेगा नहीं करेगा तो अच्छी बात है सर। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहाँ उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन।
जीरो माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। नवगछिया माघी पूर्णिमा आज गंगा घाटों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। माघी पूर्णिमा को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। नवगछिया अनुमंडल प्रशासन के द्वारा कुल 12 गंगा घाटों एवं चौक चौराहे पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। रंगराज चौक प्रखंड के रंगराज चौक, डुमरिया चौक, सिमरिया, संत विनोबा उच्च विद्यालय तिनटेंगा दियारा एवं तिनटेंगा गंगा घाट स्थल पर 3 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही जाह्नवी चौक, काजी करैया गंगा घाट, त्रिमोहन घाट, बीरपुर एवं छोटी अलालपुर में दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नौगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान एवं नदी किनारे स्थित मंदिरों में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। गंगा घाटों पर एक दिन पूर्व से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सरकार के द्वारा की जा रही दिशा निर्देश का पूर्ण अनुपालन किया जाना है। फेस मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी रखते हुए पर्व को मनाया जाना है ताकि कोरोना संक्रमण का प्रसार ना हो। इसको लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और 100% निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग, पानी के अंदर संकेत चिन्ह को लेकर स्थानीय कमेटी एवं संबंधित वीडियो को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे वीडियोग्राफी, गोताखोर, लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि गंगा घाट पर छोटी नाव का परिचालन नहीं होगा, नाव पर ओवरलोडिंग ना हो इसकी भी निगरानी दंडाधिकारी करेंगे। नवगछिया कपड़ा खरीदने आए दो किशोरों को स्थानीय लोगों ने चोर समझकर कर दी जबरदस्त पिटाई। दोनों का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। नवगछिया बाजार के छोटी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित शुभम ज्वेलर्स के पास शुक्रवार की शाम दो किशोरों को स्थानीय लोगों ने चोर समझकर जबरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई से गंभीर दोनों युवकों का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। दोनों युवक नवगछिया के रसलपुर निवासी मोहम्मद मंजूर के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद उमर के 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरवाज है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों किशोरी को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी मिली है कि दोनों किशोर छोटी ठाकुरबाड़ी रोड कपड़ा खरीदने के लिए आया था। कुछ स्थानीय लोगों को शक हुआ कि शुभम ज्वेलर्स में पिछले दिनों हुई चोरी की घटना में सीसीटीवी फुटेज में सामने आए चोरों से दोनों का चेहरा मिलता है। फिर देखते ही देखते लोगों के कानों कान यह खबर चंद मिनटों में ही आसपास के लोगों में फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों की जबरदस्त पिटाई कर दी। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने दोनों को बचाने के लिए ज्वेलरी के दुकान में ही उसे बंद कर दिया। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। वहीं नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि अगर पीड़ित पक्ष से थाने में आवेदन दिया जाता है तो मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में बृहत रक्तदान शिविर कल। क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा रविवार को बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह ने कहा कि इस बार रक्तदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से 5 बजे संध्या तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर लोगों के बीच रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने कहा कि कोरोना काल के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग हुए हैं और जीवन क्या होता है उसे काफी नजदीक से देखा है, जीवन के महत्व को समझा, इसलिए लोगों ने भी इस बार रक्तदान को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। संस्था द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर काफी प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। नवगछिया में एसडीओ ने आपूर्ति को लेकर की अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक। कहा 31 मार्च तक कार्डधारी करा लें आधार सीडिंग, अन्यथा हो जाएगा रद्द। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आपूर्ति को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोदाम प्रबंधक सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान पूर्व के हुए आपूर्ति की बैठक में अनुश्रवण समिति के द्वारा
दिए प्रस्ताव की समीक्षा की गई। पूर्व में की गई बैठक में दिए गए प्रस्ताव पर हुए कार्य संतोषप्रद पाए गए। शुक्रवार को हुई बैठक में अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में खाद्य सामग्री का वितरण लाभुकों के बीच सही ढंग से हो रहा है, लेकिन कुछ डीलर के द्वारा पॉस मशीन की पर्ची नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में एसडीओ ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सभी डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन की पर्ची दिए जाने का निर्देश दिया। अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार है, लाभुकों के बीच गुणवत्तापूर्ण अनाज का वितरण किया जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान एसडीओ ने कहा कि इस माह दो दिन पूरे अनुमंडल में सभी डीलर के द्वारा सरकार के निर्देशानुसार अभियान चलाकर आधार सीडिंग का कार्य किया गया। माइकिंग कर कार्डधारियों को अपना आधार सीडिंग करवाने की अपील की गई। इस अभियान में कुल 8,000 लोगों का आधार सीडिंग किया गया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया नए पुलिस लाइन परिसर में एसपी ने किया वृक्षारोपण। बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर शुक्रवार को नवगछिया के नए पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नए पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत नए पुलिस लाइन परिसर में 2 दर्जन विभिन्न प्रजाति के पौधों को लगाया गया। नवगछिया 4 मार्च तक के लिए पैसेंजर ट्रेन स्थगित। नवगछिया में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 4 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि बरौनी से आगे ट्रेन के रूट पर निर्माण कार्य करने के लिए इस तरह का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है। पैसेंजर ट्रेनों के स्थगित रहने से दैनिक यात्रियों में मायूसी का माहौल है। आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कटिहार से बरौनी तक ट्रेन के रूट में कोई व्यवधान नहीं है। ऐसी स्थिति में रेलवे को कटिहार से बरौनी तक ट्रेनों का परिचालन करवाना चाहिए। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में लें नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। बियाडा के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने खरी के रतनपुरा मैरचा स्थित किसानों की भूमि का लिया जायजा। विधानसभा में बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेन द्वारा खरी प्रखंड के रतनपुरा मैरचा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना किए जाने को लेकर प्रश्न उठाए जाने के बाद प्रशासन स्तर से इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसको लेकर शुक्रवार को बिहार राज्य औद्योगिक प्राधिकरण के क्षेत्रीय पदाधिकारी गिरीश राज ठाकुर ने खरी प्रखंड के रतनपुरा मैरचा के कोसी तटीय क्षेत्र स्थित किसानों की भूमि का जायजा लिया है। इस मौके पर उनके साथ अमीन इस्लाम अंसारी साथ में थे। मौके पर मौजूद ग्रामीण कार्तिक प्रसाद सिंह एवं डॉक्टर अमित ने बताया कि पूर्व में विधायक इंजीनियर शैलेंद्र रतनपुरा आए थे। उनके आगमन पर किसानों ने कोसी के तटीय क्षेत्र पर उद्योग लगाने को लेकर 500 एकड़ जमीन सरकार को दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि दियारा इलाके में अगर उद्योग की स्थापना होती है तो इलाके का विकास होगा, साथ ही यहाँ के लोगों को मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। मालूम हो कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधायक ने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया था। नवगछिया बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान परबत्ता थाने में किया गया वाद विवाद चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता। परबत्ता थाना में शुक्रवार को बिहार पुलिस सप्ताह के द्वारा वाद विवाद चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें परबत्ता थाना प्रभारी वसंती टुड्डू ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान मध्य विद्यालय खगड़ा और मध्य विद्यालय गुनरचक के बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मध्य विद्यालय गुनरचक की छात्रा नेहा कुमारी, मध्य विद्यालय खगड़ा के छात्रा को द्वितीय पुरस्कार रोशनी कुमारी एवं तृतीय पुरस्कार मध्य विद्यालय खगड़ा के छात्रा वर्षा कुमारी को मिला। वहीं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मध्य विद्यालय खगड़ा की छात्रा आस्था आर्य, द्वितीय पुरस्कार मध्य विद्यालय गुनरचक के छात्र चित्रंजन कुमार एवं तृतीय पुरस्कार मध्य विद्यालय खगड़ा के रंजना कुमारी और स्नेहा कुमारी को दिया गया। पुरस्कार वितरण में जगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव, एसआई रामचंद्र यादव, प्रभारी थाना अध्यक्ष वसंती टुड्डू ने सभी विजेता छात्र छात्राओं को दिया।
दोनों मध्य विद्यालय के शिक्षकों की भी मौके पर उपस्थिति थी। गोपालपुर, पूर्व सूचना के बावजूद रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य प्रबंधक दिन के 1 बजे पीएससी से चले गए। हाल बेहाल है स्वास्थ्य विभाग का भागलपुर में। वरीय अधिकारी के द्वारा पूर्व सूचना देने के बावजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य प्रबंधक 1 बजे दिन में ही पीएससी से निकल गए, जिस कारण जांच को पहुंचे आरपीएम को वापस बेरंग लौटना पड़ा। उक्त जानकारी देते हुए क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण प्रकाश ने बताया कि गोपालपुर व रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य प्रबंधक को कई तरह की जानकारी देनी थी, अतएव पूर्व में ही शुक्रवार को आने की सूचना दोनों प्रभारी को स्वास्थ्य प्रबंधकों को दे दी गई, परंतु इसके बावजूद भी रंगरा पीएससी दोपहर 1 बजे जाने के बाद दोनों पीएससी में नहीं मिले, जिस कारण किसी तरह की जानकारी व जांच नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि गोपालपुर पीएससी में डॉक्टर मनोहर जायसवाल अनुपस्थित मिले। पीएससी गोपालपुर में आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 2 महीने का भुगतान होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त किया गया। तत्काल राशि भुगतान का निर्देश लेखापाल व स्थापना लिपिक को दिया गया है। वहीं मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि लिपिक के कारण कर्मियों व स्वयं मेरी संपत्ति का ब्यौरा भी अब तक जमा नहीं हो पाया है। उन्होंने तत्काल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का निर्देश लिपिक को दिया है। गोपालपुर, भाजपा नेताओं ने बुके देकर थानाध्यक्ष का किया स्वागत। गोपालपुर थाने के थानाध्यक्ष प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक अशोक कुमार का बुके देकर भाजपा नेताओं ने उप स्वागत किया। मौके पर उप प्रमुख भाजपा नेता दयानंद यादव, मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, महामंत्री रंजीत झा व चंदन कुमार भगत ने स्वागत किया। नवगछिया, जानलेवा हमले मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेसीबी से घर की 4 दीवारी तोड़ने एवं विरोध करने पर मारपीट करने व गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी विभूति यादव को नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि विभूति यादव देर रात को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के आगे स्थित इंद्रमोहन सिंह के घर की 4 दीवारी को जेसीबी से तोड़ दिया था। विरोध करने पर उन पर गोली चलाकर जानलेवा हमला भी किया गया था। इस दौरान इंद्रमोहन सिंह को हाथ में गोली लगी थी, जिसके बाद वे घायल हो गए थे। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी कर पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा, 35 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया गांव में छापेमारी कर 35 लीटर देसी शराब के साथ गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा थाने के थानाध्यक्ष माताव खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी सिमरिया निवासी 36 मंडल है। मामले में सहायक अवर निरीक्षक जयशंकर दुबे के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में लें नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, एके झा 9472833513। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।